भाई तू जो इतनी पी रहा है तेरे को अपनी बीवी से डर नहीं लगता? डर? और मुझे? अबे मेरी बीवी ना मुझसे ऐसे थर थर कांपती है, अभी घर जाऊँगा ना ये लगाऊंगा उसको ऐसे मेरे पैरों में ऐसे बिछ जाएगी। और आज की डेट में कौन डरता है अपनी बीवी से? मैं डरता हूँ भाई, बहुत मारती है मेरे को। भाई मेरा हो गया, मुझको बहुत नशे हो रहे हैं, मैं चलता हूँ, तू अपना ध्यान रखियो, काफ़ी ऊपर आ गए, कूद जाओ। ओके बाय। मिल गया टाइम घर आने का। ये कोई वक्त है घर आने का? मेरी माँ ना सही कहती थी, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत मारी गई थी। हाँ तो डिवोर्स ले लेना, अभी कौन सा वक्त निकल गया है। ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? तुम शराब पी कर आए हो? बेबी शराब? शराब को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता, 5 बोतल बियर पी कर आया हूँ मैं। बेबी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, निकल पहली फुर्सत में निकल। बेबी आप तो मेरी जिंदगी हो। और तू ऐसी जिंदगी पे जान जान मारना नहीं, मारना नहीं जान। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। देखो ऐसा है, अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, तो जो बात करनी है 10 तारीख के बाद बात करना। ये वो बात नहीं है। तो I'm pregnant। खुशी की बात है, सबको फोन कर देते हैं। मैं अपने घर वालों को सबसे पहले फोन करता हूँ, बहुत खुशी हो जाएंगे। तुम अपने घर वालों को फोन करो फटाफट। एक मिनट, मैं अपने मम्मी पापा को फोन नहीं कर सकती। क्यों? अरे तुम नहीं समझोगे, वो मुझे बहुत डांटेंगे। अरे इतनी खुशी की बात पे किसके घर वाले डांटते हैं? अरे यार मैंने ऐसे एक बार कॉलेज में प्रेगनेंट हो गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। मेरी बेटी तो एकदम गाय है, आज तक किसी लड़के ने उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। स्वरा, ये सारी सब्जियां क्यों धो रही हो? अरे मैं सब्जी नहीं धो रही, मैं वेजिटेबल बिरयानी बना रही हूँ। खाना इतना स्वादिष्ट बनाती है कि आप उंगली चाटते रह जाओगे। अरे बाप तुमने तो पूरा खत्म कर दिया, मैं और लेकर आता हूँ। बैठो बैठो बैठो। वैसे भी हमें आज शाम को पार्टी में जाना है ना, तो सब अभी खा लेंगे तो फिर पार्टी में क्या खाएंगे। तुम एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ। हाँ मैं रेडी होके आती हूँ। जाओ ये रख दे। हाँ ये रखो।
स्वरा तुम अभी तक तैयार नहीं हो। अरे यार हम ऑलरेडी लेट है। जान अभी तो मेरी एक ही लेयर हुई है, अभी दो लेयर्स और बची हैं। तुम बैठे ना, मैं आती हूँ। मेकअप तो वो करती ही नहीं है, एकदम नेचुरल ब्यूटी है। जान चले बीबी, एक काम करो, अब ना ये मेकअप उतार लो तुम, क्योंकि एनिवर्सरी तो खत्म हो चुकी है। तो पहले बताना था ना, अब इसे सारा मेकअप उतारना पड़ेगा। हेलो देवी प्रसाद भाई, हेलो कबीर राज भाई, हेलो बाबू राव भाई, हेलो देवी बाबू। हाँ माँ। आ गया चुड़ैल का फोन। क्या तबीयत ठीक नहीं है? 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? मैं ना तुम्हें एक फूटी कौड़ी ही दे दूंगी उस औरत को। बोल दो सरकारी अस्पताल में जाके करा लेगी अपना इलाज। माँ तो सरकारी अस्पताल में इलाज करा लो ना। अच्छा, सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छे से नहीं होता ना? क्यों नहीं होता, सारी दुनिया कराती है सरकारी अस्पताल में इलाज। बोल दो उसे, वैसे भी 2-4 दिन की मेहमान है, मरी जाएगी फिर उसके बाद। माँ आप ना सरकारी अस्पताल में इलाज करा लो, और मेरे पास ना अभी पैसे नहीं आपको देने के लिए। ठीक है, नमस्ते सासू माँ। मेरी माँ? क्या हुआ मेरी माँ को? हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया? मैं फोन सोना यार तुम। हेलो हेलो मम्मी, हेलो हेलो। फिर डायन की फोन कर रही है, क्या बोलूं इसको? बोल देना अपने यारों के साथ है। जा पानी लेकर आ। हाय बेबी। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? वो मैं मंदिर आ गया था। मंदिर? तुम मंदिर गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ वो एक्चुअली आप सो रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि भगवान के दर्शन कर आता हूँ। अरे यार मुझे भी जाना था मंदिर। तो मैं भी घर आता हूँ, फिर उसके बाद हम साथ में मंदिर आ जाएंगे वापस से। हाँ तुम जल्दी आओ। ये आस्था चैनल किसने लगा दिया? मंदिर? हाँ मंदिर। घर आओ तुम, तुम्हें मैं बताती हूँ। मिल गई घर आने की फुर्सत? तुम्हें जरा सी भी शर्म आती कि नहीं आती? हाँ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पूरे दिन मैं इस घर में पड़ी रहती हूँ। कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये धोना वो धोना, उसके बावजूद ना तो तुम टाइम पे आ सकते हो, ना तुम मेरे बारे में जरा सा भी सोचते हो। तुम, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी खुशियाँ, यही सब चल रहा है, और मेरी खुशियों का क्या? हाँ मुझे तो समझ नहीं आता, तुम मुझसे सच क्यों नहीं बोल सकते? तुमसे शादी करी ना, मुझे लगता कि मैं तुम्हारे पर बोझ बन गई। अबे चुप, कौन सी खुशियों की बातें कर रही है तू? जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी की सारी खुशियों ने तो जैसे खुदकुशी कर रखी है। कहते हैं ऊपर वाला जोड़े बनाता है, लेकिन ऊपर वाले ने तो मेरे ऊपर ना कोड़े बरसा रखे हैं। जब से तेरी इनकमिंग हुई है ना मेरे नेटवर्क पे, मेरी तो जैसे आउटगोइंग ही बंद हो गई है। मैं भी उड़ना चाहता था, दौड़ना चाहता था, लेकिन तेरे चक्कर में सिर्फ बसों में धक्के खाता रहता हूँ। मैं भी वो ये जवानी है दीवानी का ना बनी बनना चाहता था, लेकिन बनी बनने के लिए ना जेब में मनी होना चाहिए, लेकिन वो तो 10 तारीख को सैलरी मिलते ही तेरी थ्रेडिंग, तेरे अपर लिप्स, तेरी किटी पार्टी, तेरी शॉपिंग, इन सब में खर्च हो जाते हैं। अबे इतने एफर्ट्स करने के बाद भी ना तारीफ नहीं करेगी, नुक्स निकालेगी। अबे हकीम की औलाद, अगर इतना ही शौक है ना नुक्स निकालने का, तो खुद भी कुछ कर लिया कर। दिन भर जब देखो तब सोफा गर्म करती रहती है। तुझे पता कितनी खिसवाता हूँ मैं? यहाँ से पहले बस पकड़ता हूँ, फिर उसके बाद मेट्रो से ऑफिस पहुंचता हूँ। ऑफिस में पूरा दिन काम करने के बाद जब थका हारा इंसान घर आता है, तो उसके बाद भी सुनने को क्या मिलता है? तुमसे अच्छा क्यों शालिनी का पति है? अबे तूने शालिनी की शक्ल देखी है? वो कितनी सुंदर और सपोर्टिव है। और अपनी शक्ल देख तू, कहाँ वो कैटरीना कैफ और कहाँ तू पालिका की जरीन खान। ये जो तू 1-1 किलो मेकअप लगाती है ना अपने थोबड़े पे, पता क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि भैंस को कितना भी फेयर एंड लवली लगा दो ना, वो लेटेगी गोबर में ही। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। अरे मुझे इस घर में मिलता क्या है? 2 टाइम का खाना और 4 टाइम
की गालियाँ, और खाना तो तू इतना घटिया बनाती है ना कि अगर किसी मरे हुए इंसान को खिला दिया जाए ना तो वो भी जिंदा होकर ना दोबारा मर जाएगा। हर मर्द का दर्द ना उसकी बीवी होती है। अगर पति गलती करे तो पति माफी मांगे, लेकिन अगर पत्नी गलती करे तो भी पति माफी मांगे। ये कहाँ का न्याय है? और गलती से अगर हम पतियों ने तुम्हें कुछ कह दिया ना तो बस रोना शुरू। इन मोतियों को तो तुमने अपना हथियार बना के रखा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, बेचारा मेरा दोस्त सुरेश, उसने अपनी बीवी को सिर्फ इतना बोला कि उसकी कढ़ी में ना दही कम है, तो बस उसने रो रो के पूरा महिला मंडल बुला लिया अपने घर में। बेचारे को बिना दही की कढ़ी खानी पड़ गई, उसको हैजा हो गया, बेचारा आरएमएल में भर्ती है। प्यार तो हमारे बीच में ना सिर्फ नाम भर का रह गया है। जब देखो तब सिर्फ ताने मारती रहती है, और जब मुझसे पेट भर जाता है तो मेरे पूरे परिवार वालों को घसीट लेती है। तेरा बाप बुरा, तेरी माँ बुरी, तेरा भाई बुरा, तेरा पूरा खानदान बुरा। अरे जब इतनी प्रॉब्लम थी मुझसे तो क्योंकि मुझसे शादी जब भी मुंह खोलती है ना तो मेरा मन करता है कि तेरे मुंह में कुछ ठूस दूं, तुझे जहर दे दूं और खुद को फांसी लगा के अपने आप को मार दूं। ये क्या कर रही हो तुम? इतनी सी बात पे कोई सुसाइड करता है क्या? बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो देखो प्लीज सुसाइड करने की कोशिश मत करो प्लीज। देखो मैं तुम्हारे बिना ना मर जाऊंगा, मैं भी नहीं जी पाऊंगा। आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच, प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। ओह बेबी आई लव यू टू। वैसे मैं सुसाइड नहीं कर रही थी, मैं तो लैम्प शेड टांग रही थी। कैसे जीऊंगा? जान सिर्फ 7 दिन की बात है, भैया की शादी अवॉइड भी तो नहीं कर सकती ना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेबी। पता है जान, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम ऐसे छोड़ के जाते हुए। मैं नहीं जा रही। नहीं नहीं नहीं, अब रिलेटिव की शादी भी तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो मैं काम करो, तुम जाओ, मैं जी लूंगा किसी तरीके से। अच्छा, अपना ख्याल रखना और कुछ बाहर का मत खाना। नहीं खाऊंगा बाहर का, कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं ठीक है, तुम जाओ जाओ। सुनो दुनिया हो तुम मेरी, तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, जल्दी आओ। आई लव यू बेबी। हेलो, हाँ सुन, 2 बियर लेकर जल्दी आ, गई डायन। बेबी छोड़कर चली गई मुझे। हाँ बेबी क्या हुआ? अपना ख्याल रखना। ट्रेन मिस हो जाएगी तुम्हारी, जल्दी जाओ। ओ हाँ बाय। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया, आया 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 मेरी बीवी मैं के चली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना है आपको? लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और कमेंट्स में बताओ अपना बेस्ट पार्ट, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में अभी बताओ। और शेयर करो अपने जितने भी दोस्त हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी होने वाली है, उन सबके साथ भी शेयर करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, स्वरा का चैनल है उसको जाओ अभी सब्सक्राइब करो, और मेरा चैनल है महेश मिश्रा के नाम से, उसका चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना ताकि आगे जो भी वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हम लोग इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करो जाकर। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और यहाँ पॉपअप भी हो रहा है, तो अभी जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आई लव यू गाइस, वीडियो शेयर कर दो, फैला दो, लव यू, बाय बाय। मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई, बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से हमारा बन गया हूँ। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया, आया 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 मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली।